हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको रीना रॉय का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उनका जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई, भारत में हुआ था। उनकी आयु 66 वर्ष है। उनका प्रथम प्रवेश फिल्म जरूरत 1972, टीवी इना मीना डीका 2000। उनके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं। उनके भाई का नाम राजा रॉय, उनकी बहन का नाम बरखा रॉय, एक निर्माता, और अंजू रॉय। उनका धर्म इस्लाम। उन्हें पढ़ना और यात्रा करना पसंद है। उनकी वैवाहिक स्थिति तलाकशुदा। उनके अफेयर शत्रुघ्न सिन्हा, अभिनेता। मोहसिन खान, पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर, एक अभिनेता। उनके पति का नाम मोहसिन खान, पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर, अभिनेता। उनकी शादी की तारीख 1983। उन्हें एक बेटी है जिसका नाम सनम खान है। रीना रॉय एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई थी और अपने समय की सबसे सफल अभिनेत्री थी। वह 3 भाइयों बहनों के साथ एक मुस्लिम पिता और एक हिंदू माँ से पैदा हुई है। कम उम्र में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया और उन्होंने अपनी माँ और भाई बहनों की आर्थिक मदद के बाद फिल्मों को शुरू कर लिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म जरूरत से की थी। वह अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। वह कई लोकप्रिय हिंदी फिल्में जैसे नई दुनिया के नए लोग, जैसे कुतैसा, काली चरण, विश्वनाथ, जख्मी आदि में नजर आ चुकी है। 1973 में जितेंद्र के साथ उनका बारिश से भी हुआ डांस अब के सावन में जबरदस्त हिट हुआ है। उन्हें सफलता 1976 में सुपरहिट फिल्म नागिन से मिली, जिसमें उन्होंने नागिन की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहली फिल्मफेयर के लिए नामांकित किया गया। 1977 में उन्होंने सतश्री अकाल और विलायती बाबू 1981 नाम की पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। 1983 में जब उनका फिल्मी करियर उच्च शिखर पर था, तब उन्होंने पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर और अभिनेता मोहसिन खान से शादी कर ली और फिल्म उद्योग से ब्रेक ले लिया। शादी के कुछ साल बाद उनका तलाक हो गया और उनकी बेटी को मोहसिन ने ले लिया, लेकिन अब वह अपनी मां के साथ रहती है। शुरुआत में इस कपल ने अपनी बेटी का नाम जन्नत रखा था, लेकिन सनम सच्ची वाणी की अपार सफलता के बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम सनम रख दिया। 1992 में वह फिल्म आदमी खिलौना है में भाभी की सहायक भूमिका के साथ फिल्म उद्योग में वापस आई, लेकिन इस बार वह एक अभिनेत्री के रूप में इतनी सफल नहीं रही। 1998 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका आखिरी प्रोजेक्ट 2000 में आई रिफ्यूजी फिल्म और टीवी सीरियल इना मीना डीका था। 2004 में उन्होंने अपनी बहन बरखा रॉय के साथ अभिनय स्कूल खोला। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। वह रेखा की अच्छी दोस्त है क्योंकि उन्होंने रीना को उनके ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल को बेहतर बनाने में मदद की थी। जुलाई 2021 में वह रीना रॉय स्पेशल एपिसोड का जश्न मनाने के लिए इंडियन आइडल सीजन 12 के एक सप्ताह में नजर आई। वहां उन्होंने बाइक के प्रति अपने जुनून के बारे में बताया था। उसने कहा, मुझे बचपन से ही बाइक चलाने का शौक था। मेरी बहन बरखा ने खास तौर से मेरी इच्छा के कारण सनम वानी बनाने वाली एक बाइक का व्यूअर जोड़ा है। मैं सुबह उठती थी, अपनी बाइक लेती थी और चक्कर लगाती थी। मैं बाइक वाली बांद्रा गर्ल थी। मैं एक यामाहा की मालिक थी
और एक बार जब मैं शूटिंग में व्यस्त थी, मेरी छोटी बहन ने इसे चलाने की कोशिश की और खुद को चोट पहुंचा ली। इसलिए मेरी माँ ने उस व्यक्ति को बाइक लौटा दी जिससे हमने बाइक ली थी और कहा कि हमें इस घर में वापस बाइक नहीं चाहिए। अगर फिल्म इन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।